नमस्कार दोस्तों, जब से सितंबर का महीना लगा है पृथ्वी पर एक के बाद एक तबाही सामने आ रही है। लगातार उल्का पिंड आ रहे हैं। नासा के वैज्ञानिक हर उल्का पिंड को ट्रेस कर रहे हैं। अब तक 10 उल्का पिंड आ गए हैं। देर रात भी पृथ्वी के पास से 2 उल्का पिंड गुजरे हैं, जिसके चलते धरती पर कंपन महसूस हुआ है। लेकिन आज 25 सितंबर को फिर से एक उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है। नासा ने बताया है कि आज 25 सितंबर को एस्टेरॉयड 2024 RK-7 धरती के पास से गुजरेगा। इसका आकार करीब 100 फुट का है, लेकिन इससे भी कोई खतरा नहीं है। हालांकि लगातार बढ़ रहे उल्कापिंडों की संख्या ने नासा को चौकस कर दिया है। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि अंतरिक्ष से आने वाले खतरों पर नज़र रखना कितना महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का कहना है कि एस्टेरॉयड की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए नए तकनीकी उपायों की आवश्यकता है। नासा ने इन एस्टेरॉयड को विशेष दूरबीनों से देखने की सलाह दी है, ताकि संभावित खतरों का सही आकलन किया जा सके। बता दें कि जब से ये महीना लगा है एक के बाद एक उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। बता दें कि 16 सितंबर को पृथ्वी से टकराने की पूरी संभावना थी, लेकिन दोस्तों आप सभी की दुआ और भगवान की कृपा से हम सभी सेफ हैं और उल्कापिंड पृथ्वी से काफ़ी दूरी से निकल चुका है। उसके बाद में छोटे और बड़े उल्कापिंड आए हैं जो पृथ्वी से काफ़ी दूरी से निकल गए हैं, लेकिन आए दिन आ रहे उल्कापिंडों की वजह से लोग भी दहशत में हैं। साथ ही इन उल्कापिंडों की वजह से वातावरण में भी उथल पुथल मच रही है। लगातार आंधी तूफान आ रहा है, लगातार भूकंप की घटना भी देखी जा रही है। जापान के अंदर सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। वहां दोस्तों ताबड़तोड़ भूकंप आया है। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत के अंदर तूफान चल रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड के अंदर खतरनाक बारिश हो रही है। और इसी बीच आज फिर उल्कापिंड आ रहा है। और बता दें कि 29 सितंबर को आसमान में एक साथ 2 चांद भी नज़र आने वाले हैं, यानी कि इस महीने में कई अद्भुत खगोलीय घटना भी होने जा रही है। नासा के अलावा भारत की इसरो भी इन उल्कापिंडों को लगातार ट्रैक कर रही है। बता दें कि उल्कापिंड को ट्रैक करने, इनकी दिशा बदलने और चाल बदलने के लिए नासा ने अंतरिक्ष में डार्ट मिशन भी लॉन्च किया हुआ है, जो इन उल्कापिंडों की हर गतिविधि पर नज़र रखता है। बता दें कि जो आज उल्कापिंड आ रहा है उससे भी हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब उल्कापिंड गुजरता है तो आसमान में एक आपको रोशनी जरूर दिखाई दे सकती है। इसके अलावा धरती पर कंपन महसूस हो सकता है, कहीं कहीं पर भूकंप तो कहीं पर भारी बारिश और तूफान भी आ सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है उल्कापिंड को लेकर। अगर आपने पहले कभी उल्कापिंड देखा है और कहां देखा है ये कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।